हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपकी किसकी, सीबीएसई सीनियर एंड जूनियर असिस्टेंट्स कट ऑफ से संबंधित कुछ बातें। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट डेज में आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड कराए थे उसमें कमेंट्स मेरे को भर भर किया है। जी हाँ दोस्तों, सबके रिप्लाई मैं दे नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों, आपके कमेंट से एक बात सामने निकल के आ गई जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यह बात जानना बेहद जरूरी है क्योंकि आप बहुत टेंशन में चल रहे हैं और वो बात है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाँ जी फ्रेंड्स, और आपको वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, शेयर अवश्य करें ताकि आपके जैसे फ्रेंड्सों की और भी हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं हर एक बात को डिस्कस। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं क्या कि लास्ट वीडियो से क्या आया सामने। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने लास्ट डेज में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई है कट ऑफ की, उसमें एनालिसिस करने के बाद क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, जैसे कि आपको पता होगा यदि आपने पेपर दिया है आपके सीनियर असिस्टेंट्स का, तो दोस्तों आपको पता होगा आपके नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है। आपके नोटिफिकेशन में डाला है दोस्तों, यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको लाना होगा कितने मार्क्स, आपको लाना होगा 50% मार्क्स मिनिमम। एंड इसके साथ दोस्तों, यदि आप करते हैं किससे बिलोंग, ओबीसी से, तो आपको लाना होगा कितने परसेंट मार्क्स, दोस्तों आपको लाना होगा यहाँ पर 45% मार्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने प्रोवाइड भी कराई आप लोगों को, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाना होगा यहाँ पर 45% मार्क्स। कहने का मतलब वहां पे लाना होगा आपको दोस्तों 150 नंबर 300 में से, और यहाँ पर लाना होगा आपको 135 नंबर। एंड इसी साथ साथ दोस्तों, आप यदि एससी से बिलोंग करते हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने मार्क्स लेकर आना होगा, तो दोस्तों यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाना होगा 40% मार्क्स आउट ऑफ 300। कहने का मतलब आपको यहाँ पर 120 मार्क्स लाना अनिवार्य है। दोस्तों, ये तो हुई आपकी किसकी नोटिफिकेशन की बात की, ऐसा उसमें डाला है कि आपको यूआर से इतने, ओबीसी से इतने, एससी एसटी से इतने। लेकिन दोस्तों, ताजुब की बात हो रही है क्या कि दोस्तों अभी तक मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं, जो जो मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा है फैंस, उन वीडियो में अभी मेरे को ऐसा कोई कमेंट्स देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, जो कि आपके यहाँ पर 50% को जा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, 50% के ऊपर मेरे को 1 या 2% स्टूडेंट्स ही हैं जिनके मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आप खुद देख लीजिए उन कमेंट्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, उन कमेंट्स में मेरे को 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50% से नीचे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको खुद बताता हूँ कि आखिरकार कैसे कमेंट्स आए हैं हमारे पास। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आपको लेकर आ गया हूँ कमेंट्स बॉक्स पर, उसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जिसमें भर भर के कमेंट्स आए हैं, और भी वीडियोज में आए हैं, बट आपको यहाँ पर बता दूं। यहाँ पे देखिए सोनिया जी परसार क्या बोलती है, 112 है इनके, ईडब्ल्यूएसएजे बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ए भी 50% को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप 100 मार्क्स देखिए फॉर एससी, ए भी आपके 50% को क्रॉस नहीं कर रहे हैं आपके सीनियर असिस्टेंट्स। आपके यहाँ पर देखिए दोस्तों, जे हैं आपके रितिका कुमारी, जे दोस्तों 108 मार्क्स लेकर आ रही है, ये हैं आपकी जूनियर असिस्टेंट से, तो इनका 50% क्रॉस है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हम थोड़े और आगे रीड करेंगे तो यहाँ पर क्या अनीता प्रसाद जी बोलती हैं, सर मेरे 57 क्वेश्चन सभी सही हैं और उसके नंबर 114 बन रहे हैं, एससी कैंडिडेट से हूँ, सीनियर असिस्टेंट, सर क्या चांस है मेरे, प्लीज बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के यदि ऐसे कमेंट्स आएंगे, सब 50% से लेस ही आएंगे, करीबन 1-2% ही ऊपर रहेंगे, तो दोस्तों इसके बाद मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आप लोगों का आखिरकार कट ऑफ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कमेंट्स गिराऊंगा तो कमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर 174 ईडब्ल्यूएस एनी चांस, ये थोड़े जा रहे हैं आपके 50% को आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जे एस टी 110 मार्क्स हैं उनके, मार्क्स हैं दोस्तों, नंबर नहीं है, 110 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या आपके जूनियर अकाउंट का भी कट ऑफ बताइए, ओके मैंने बता दिया है शायद दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर सर 160 जनरल कैटेगरी जूनियर असिस्टेंट्स में, तो दोस्तों जूनियर से हैं, इनका गुड मार्क्स है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट डिफेंस 120 सही है, एससी कोई चांस। इसी प्रकार से फ्रेंड्स नेक्स्ट देख सकते हैं 65 करेक्ट, जूनियर असिस्टेंट आपके यहाँ पर 65 है और जूनियर से है तो गुड है आपका 120 PWD। इसी प्रकार से हमको नेक्स्ट कमेंट मिलता है बोर्ड्स जी का, EOR के लिए 50% कट ऑफ है तो 130 140 मार्क्स कैसे हो। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि कैसे हो सकता है इतना कम कट ऑफ, तो फ्रेंड्स मैं वही बताने वाला हूँ कि आप लोगों के आखिरकार मार्क्स मार्क्स ही इतने कम आ रहे हैं, 50% से दोस्तों ऊपर बेहद कम कैंडिडेट जा रहे हैं। मैंने कहा 99% ही कैंडिडेट है जो आपके 50% से नीचे चल रहे हैं, 1% समझिए कि जो कैंडिडेट 50% को क्रॉस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों यह क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है आपका, है ना। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत से कमेंट मिल जाएंगे जो कि आपके 50% के सब नीचे ही नीचे हैं, ऊपर तो एक दो कैंडिडेट दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जी दिख रहा है सौरभ जी 230 सीनियर असिस्टेंट जनरल कैटेगरी इन लोगों की, है ना। नेक्स्ट और कमेंट देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट भी रीड कर सकते हैं लेकिन आपको मैक्सिमम कैंडिडेट सब 50% के लेस ही देखेंगे। कोई 73 दिख रहा है तो दोस्तों आपको कोई यहाँ पर 116 ही दिख रहा है ओबीसी से, आपको नेक्स्ट और देखेंगे तो यहाँ पर 130 दिख रहे हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप रीड कर सकते हैं कोई 86 मार्क्स ही दिख रहा है यहाँ पर। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला वो 100% ट्रू है कि आप लोगों के मार्क्स 50% के ऊपर एक या एक दो कैंडिडेट के पहुंच रहे हैं, 1-2% कैंडिडेट ही आपके 50% से मार्क्स लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर फिर देखिए लाला राम मीना जी 124 नंबर एसटी से, यहाँ पर मेरे 60 क्वेश्चन सही हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए 110 एससी मेल कोई चांस है क्या। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, आपने देख लिया होगा कि सच में 50% को क्रॉस करने वाले 1-2% ही स्टूडेंट हैं, बाकी सब 50% के नीचे ही नीचे आ रहे हैं। कोई 136 है, कोई 58 है, कोई कितना है। तो डियर फ्रेंड्स आपने यहाँ पे जाना कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो सब हम बोल सकते हैं 99% स्टूडेंट्स आपके क्या 50% से लेस में चल रहे हैं, 50% से ऊपर बेहद कम है। तो फ्रेंड्स इससे क्या निर्णय निकलता है कि आखिरकार आपका कट ऑफ 50% के नीचे ही जाने वाला है क्या। तो दोस्तों यदि ऐसा होने वाला है तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कम्युनिटी टैब पर पोल क्रिएट कर दी है आपके सीनियर असिस्टेंट एग्जाम में मार्क्स के लिए और आपके जूनियर असिस्टेंट्स एग्जाम में मार्क्स के लिए कि आखिरकार आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए हैं वो बताइए, जिससे कि हम बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस कर सकें। जी हाँ फ्रेंड्स आप लोग की रियलिटी जांच सकें कि आखिरकार सच में आप लोगों के इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आप लोगों को कैसा क्या वोट करना है, कहाँ पे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स ये तो एक ही वीडियो के कमेंट से दोस्तों, अगर नेक्स्ट वीडियो के कमेंट और दिखा दूंगा तो उसमें भी इससे ज्यादा कम कम वाले कमेंट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा यूआर एग्जाम गोली के कम्युनिटी टैब पर। जैसे ही फ्रेंड्स आप उस पर विजिट करेंगे चैनल पर तो आपको दिखेगा क्या वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी और आपको चैनल सब आउट। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर कम्युनिटी पर क्लिक करना है। अब जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखेगा, कुछ ही समय पहले मैंने यहाँ पर पोल क्रिएट किया है, आप लोग वोटिंग जरूर से जरूर करें। क्या किया है CBSE जूनियर असिस्टेंट्स एग्जाम में आपके नंबर कितने हैं नीचे वोट डालें। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या आपके 50 से नीचे हैं, जूनियर वालों का है इसलिए 50 से नीचे हैं, 50 से 75 के बीच हैं, आपके 75 से 100 के बीच हैं या फिर आपके 100 से 140 के बीच हैं और 140 से 200 के बीच हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका सीनियर असिस्टेंट्स वालों का। तो फ्रेंड्स नीचे भी सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे पोस्ट चेंज हो गई, आपकी CBSE सीनियर असिस्टेंट एग्जाम है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके 100 के नीचे हैं, आपके 100 से 120 के बीच है, 120 से 150 के बीच है या फिर आपके 150 से 200 के बीच है या फिर 200 से 250 के बीच है। आई थिंक इससे ऊपर तो कोई शायद ही गया हो 250 से। जी हाँ दोस्तों 250 से। ओके तो यदि आपके इनके बीच आ रहे हैं तो आप कमेंट्स जरूर करें। यहाँ पर आपको 0% दिख रहा है, अभी वोटिंग हुई नहीं। जैसे ही वोटिंग हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर वोट की संख्या आ जाएगी, कितने कैंडिडेट ने वोट किया है और किन ने किन किन में किया है, तो यहाँ पर परसेंटेज में डिवाइड हो जाएगा।
देन इसके बाद हम एनालिसिस कर लेंगे कि सबसे ज्यादा कमेंट्स कौन से देखने को मिल रहे हैं, कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं आपके, या फिर 120 से 100 से 120 की समथिंग आ रहे हैं, या फिर आपके 200 से 250 के बीच आ रहे हैं। इससे करेक्ट बिल्कुल 100% ट्रू एनालिसिस होगा और आपका कट ऑफ बन जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोगों को यही काम करना है। और हाँ जी फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मेरे पास कमेंट की है क्वेश्चन की, सर मैं इन क्वेश्चंस को क्या ऑब्जेक्शन कर दूं, तो दोस्तों इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें एक डाउट सा बना हुआ है, आप उनको कमेंट्स आप उनको कर दें दोस्तों, ऑब्जेक्शन लगा दें, तो आपको इनके नंबर मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पता होगा आपको एग्जाम में पॉइंट से भी रह जाते हैं, फिर तो आपके यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के दो नंबर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन करने योग्य है तो ऑब्जेक्शन अवश्य करें। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।